हाय फ्रेंड, कंप्यूटर सीखो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको बताया कि जो मेरा चैनल है कंप्यूटर सीखो, उसमें मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हैं जो कि हमारे मोबाइल, पीसी, लैपटॉप, टाइपिंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है मैं अपने चैनल में सॉल्व करता हूँ। और जिससे जो मेरे व्यूवर्स अटैच हैं मुझसे जैसे भी क्वेश्चन करते हैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ और अपने चैनल पर अपलोड कर देता हूँ। तो ऐसे आपके दिल में भी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी, कोई भी आशंका जो है कंप्यूटर सीखने से रिलेटेड हो, तो आप भेजिए। जब क्या करें, देखिएगा मेरी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स आ रहा है, इधर कमेंट कर सकते हैं जिससे कि मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना सकूँ और आपको क्वेश्चन का आपको रिप्लाई दे दूँ। और आप मेरी हर कोई सी वीडियो देखना चाहते हैं जो भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करता हूँ, तो आप क्या करें, देखिएगा नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब्स का ऑप्शन आ रहा है, इधर सब्सक्राइब करेंगे इसको मेरे चैनल को, तो क्या होगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा जिससे कि मैं जो भी न्यू वीडियोज अपलोड करता हूँ वो आप तक चीज़ों में मिल जाएगी और आपको उसका काफ़ी फायदा होगा और काफ़ी चीज़ें जो है आपको सीखने के मिलेंगे। तो आई होप आप ऐसा करेंगे जिससे कि आपको काफ़ी फायदा होगा और काफ़ी चीज़ें जो है आपको सीखने के मिलेंगी। तो दोस्तों, आज का जो मेरा सब्जेक्ट है, मेरा सब्जेक्ट है कि जो है हम अपने जो है किसी भी फोटो पर ऑनलाइन जो है कैसे जो है उस पर फोटो लगा सकते हैं या कुछ भी उसमें एडिटेशन कर सकते हैं। वैसे तो मेरा जो है फोटोशॉप का जो ट्यूटोरियल है उससे भी आप कर सकते हैं उसमें, लेकिन अगर आपके पास फोटोशॉप का जो है नहीं है सॉफ्टवेयर, तो आप ऑनलाइन भी क्या कर सकते हैं उसमें एडिट कर सकते हैं उसमें अपने फ़ोटो में। तो वो मैं आज आपको जो है बताने जा रहा हूँ कि ऑनलाइन कैसे करते हैं। तो उसमें ये होता है दोस्तों, उसमें जो है सारे ऑप्शन वही आते हैं जो फोटोशॉप में है। आपके पास अगर फोटोशॉप नहीं भी है तो क्या कर सकते हैं आप उसको जो है उसी से जो है ऑनलाइन कर सकते हैं आप उसी से। तो देखिए वेबसाइट है ये आप डॉट डाउन कर लें, देखिए pixlr.com, इसे क्लिक करेंगे इधर तो देखिएगा ये ऑप्शन आ जाता है इधर, तो इस पर क्लिक करेंगे आप तो देखिएगा मैं बता देता हूँ आपको, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आपको बता दूंगा। तो देखिएगा ये ओपन हो जाती है pixlr.com। तो इस पर क्या होता है दोस्तों, इस पर जो है आप ऑनलाइन जो है इस पर जो है फोटोशॉप में के जैसे ही काम कर सकते हैं, उसमें नाम लिखना है या कुछ उसमें जो है एडिटेशन करनी है अपनी इमेज में, तो इसमें ही कर सकते हैं। तो देखिएगा लॉन्च वेब वेब इसका ऑप्शन आ रहा है, ये लिख लें आप, इसे कर लें आप, इसे क्लिक करेंगे तो देखिएगा ये इधर ये ऑप्शन आ जाता है। तो इधर देखिएगा न्यू विंडो खुल गई है इधर, तो इधर से देखिएगा ये ऑप्शन पूछ रहा है क्रिएट ए न्यू इमेज, ओपन इमेज फ्रॉम माय कंप्यूटर। तो मैं इधर से ओपन कर लेता हूँ अपने जो है कंप्यूटर से कोई जो है इमेज ले लेता हूँ, या आप जो है न्यू भी ले सकते हैं कोई सी भी जेएस पर और रिक्वेस्ट जो भी आपको आए। तो देखिएगा डी में जाता हूँ मैं और मैं कोई जो है इमेज ले लेता हूँ। तो देखिएगा मैं इधर से ये कोई सी एक इमेज ले लेता हूँ, देखिए कोई सी भी इमेज ले सकते हैं जो भी आपको जो है पसंद हो वो इधर से ले सकते हैं आप। देखिएगा मैं ये वाली ले लेता हूँ इमेज, तो ये देखिएगा इमेज आ गई है। तो इसको आप जो है घटा बढ़ा भी सकते हैं ऐसे, और इसको जैसा भी आपको साइज रखना है वो आप उसमें साइज रख सकते हैं, और या इधर से भी जो है आप इसका साइज घटा बढ़ा सकते हैं। देखिए मैं इधर 200 कर सकता हूँ, ठीक है, तो देखिएगा साइज बढ़ गया इसका। और आप इस पर अगर कुछ टेक्स्ट देना चाहते हैं तो देखिए ना नीचे भी ऑप्शन आ रहा है, जैसे ये ऑप्शन आ रहा है इधर, तो इधर आप जो है कोई सा टेक्स्ट दे सकते हैं इस पर। देखिएगा मैं दे देता हूँ इसको कंप्यूटर, जैसे एंटर करते हैं जैसे जैसे आप इसमें जो लिख रहा है उसमें करेंगे तो वैसे वैसे ही नीचे आएगा। देखिए कंप्यूटर सीखो मैंने लिख दिया, आप इसको कौन सा जो है वो देना चाहते हैं जैसे टाइप दे सकते हैं नीचे, देखिए तो सारे ऑप्शन आ रहे हैं, मैं जैसे कि ये दे देता हूँ, ठीक है। इसके बाद जो है आप इसका साइज़ भी इधर से घटा बढ़ा सकते हैं, जो 30 है ये, तो मैं इसे 40 कर देता हूँ, ये देखिएगा बढ़ा देता हूँ यानी इसका साइज़। कलर दे सकते हैं आप इसमें कोई सा भी, जैसे नहीं ये वाला कलर मुझे अच्छा लग रहा है, मैं एक कलर दे देता हूँ इधर से, ये सब कुछ भी दे सकते हैं आप अपनी इमेज में जो आपको पसंद हो, और इसे मैं ओके कर देता हूँ। देखिए कंप्यूटर सी को ये हो गया, और भी ऑप्शन है इसमें, बहुत सारे ऑप्शन है इसमें दोस्तों। इसमें आप जो है पेंसिल से भी लिख सकते हैं, वही सारे जो फोटोशॉप के ट्यूटोरियल में मैंने बताए हैं वही सारे जो है इसमें ऑप्शन है, आप इधर से कुछ भी एडिटेशन कर सकते हैं। और अगर आप मेरे फोटोशॉप का जो है ट्यूटोरियल नहीं देखा हो तो आप देख लें, तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा, यही सारे ऑप्शन उसमें भी है फोटोशॉप में भी। तो और ये जो है इससे रिलेटेड सारी जो है चेंजेस कर सकते हैं आप इसमें, किसी भी फोटो में अपना कुछ भी डाल सकते हैं इसमें, इफेक्ट आप इधर से ये इमेज भी डाल सकते हैं। देखिए और ऑप्शन आ रहे हैं नीचे इधर, देखिएगा ये पेंसिल का हैंड टूल, ये तुम्हारे जो है नीचे ऑप्शन आ रहा है, देखिएगा ये
ऊपर ऑप्शन आ रहा है, ये पेंसिल का आ रहा है, इससे पेंसिल कोड से भी लिख सकते हैं आप इधर से कुछ, लिखेगा जैसे कि मैंने बताया था, आप जो है इधर से पेंसिल कोड से भी इससे लिख सकते हैं इधर से। वो मेरा जो है जो ट्यूटर है वो देखें आप, वो समझ में आ जाएगा आपको। और इसके बाद अगर आप जब इसे कर लें तो आप क्या करें, इसे इधर से सेव भी कर सकते हैं आप, इसे जो है सेव कर लें, और जहाँ भी आपको सेव करना है इसको, तो इसको JPEG किसी भी फॉर्मेट में आप इधर से सेव कर सकते हैं, तो PNG में, TFT, PXG, जिसमें भी आपको सूटेबल है आप इधर से जो है इसे सेव कर लें। और ये आपका जो है क्या होगा, मैं इसे देखिए मैं डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। ये देखिएगा मैंने इसे डेस्कटॉप पे सेव कर लिया और मैं अपने डेस्कटॉप पे जाता हूँ तो देखिएगा ये इधर से ये ऑप्शन आ रहा है, ये देखिएगा ये मेरा जो है फोटो तैयार हो गया है। तो ऐसे ही आप कोई भी आप जो है इफेक्ट डालना चाहते हैं आप इधर से डाल सकते हैं, बहुत अच्छी वेबसाइट है दोस्तों। इससे क्या होगा, आपके बिल्कुल फोटोशॉप की तरह ही इसमें सारे जो ऑप्शन आते हैं। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों, पसंद आए तो शेयर करें, और आपको और ज़्यादा जो है फोटोशॉप के ट्यूटोरियल देखने हैं तो मेरी वीडियो वो ज़रूर देखें आप। मेरी प्ले लिस्ट भी बनाई है फोटोशॉप ट्यूटोरियल के नाम से, उसमें जो है सारे ऑप्शन हैं, किसी भी फोटो में आप एडिटेशन कर सकते हैं बाई जो है अपने किसी भी बाई और सेल। दोस्तों आई होप कि आपको मेरे को पसंद आई, पसंद आए तो शेयर करें, और आपके दिल में भी कोई भी क्वेश्चन या आपको ये वीडियो कैसी लगी आप यहाँ कमेंट जरूर करें, इसे लाइक और कमेंट जरूर करें मेरी वीडियो को, जिससे कि मैं और भी न्यू वीडियोज बना सकूँ और वो जो है आपको मिल सके। लेकिन नीचे मेरे सारे व्यूवर्स से जो क्वेश्चन आ रखे हैं, ऐसे आपके दिल में भी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यों ना, आप क्या करें देखिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आप मेरी हर कोई वीडियो देखना चाहते हैं जो भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करता हूँ, तो आप क्या करें देखिएगा नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा है, इसे क्लिक करेंगे तो मेरा चैनल क्या होगा, सब्सक्राइब हो जाएगा, जिससे कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करता हूँ वो आप तक वीडियो में मिल जाएगी और आपको उसका काफ़ी फ़ायदा होगा। तो आई होप आप ऐसा करेंगे दोस्तों, जिससे कि आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और काफ़ी चीज़ें आपको सीखने मिलेंगे। इंशाल्लाह और वीडियो रखूँगा, तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।